फ्रेंड्स आज मैं ये वूल से टेबल क्लॉथ टेबल क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे थाल पोश की तरह भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो इसे पायदान भी बना सकते हैं तो ये इस तरीके से आता है देखिए फूल की शेप में आता है ये बिल्कुल ऐसे और इसमें मैंने सारी अपनी बची हुई उन से बनाया है ये सोलह फंदों में मैंने ये बनाया है और इसको आप बड़ा या इससे छोटा भी बना सकते हैं जिस भी चीज के लिए चाहिए राउंड टेबल में भी इसको आप यूज कर सकते हैं राउंड टेबल के लिए भी टेबल क्लॉथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे अगर आप पम वगैरह कुछ लगाना चाहें तो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं फ्लावर वगैरह और ये पूरी बची हुई ऊन से बनाया है देखिए पूरा कलरफुल बना है आप चाहें तो इसे दो कलर में भी बना सकते हैं या सिंगल कलर में भी बना सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है और ये सोलह फंदों से बनाया है मैंने और फोर के मल्टीपल में फंदे लेने हैं इसको बनाने के लिए तो आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं इसमें आप अगर बड़ा बनाना है तो इसे फोर प्लस कर दीजिएगा और अगर छोटा बनाना है तो इसे फोर माइनस कर दीजिएगा इसमें तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे बनेगा ये इसके लिए मैंने सोलह फंदे डाले हुए हैं और इसमें आपको फोर के मल्टीपल में ही फंदे डालने हैं तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो इसमें चार चार फंदे और ऐड कर लीजिएगा जितना भी बड़ा आप बनाना चाहें सोलह फंदे हैं तो बीस फंदों का भी बना सकते हैं चौबीस का अट्ठाईस का तो इस हिसाब से चार चार फंदे आप ऐड कर लीजिएगा तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा बाकी बिनने का तरीका इसी तरीके से रहेगा तो ये राइट साइड है सीधी तरफ है इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इसमें सारे फंदे हम उल्टे बिनेंगे तो जी लास्ट का फंदा हमें सीधा बिनना है लास्ट का फंदा आपको दोनों तरफ से सीधा ही बिनना है जब भी हम एंड में आएंगे तो लास्ट का फंदा हमें सीधा बिनना है अब रॉन्ग साइड है रॉन्ग साइड भी पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे हम लास्ट का फंदा सीधा अब पैटर्न की शुरुआत हमारी यहां से होगी जो हमें बार बार रिपीट करना है तो ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है इसमें देखिए एक फंदा हम स्लिप करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है तो मैं ऐसे बढ़ा रही हूँ एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे धागे को पीछे करेंगे और फिर इसी फंदे को हमें इस तरीके से सीधा बिन लेना है तो ये मैंने एक फंदे से दो फंदे बढ़ा दिए हैं फिर धागा आगे करके बाकी के सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लूंगी ये लास्ट के दो फंदे बचा देंगे और बाकी के सारे फंदे उल्टे बिन लेंगे अब यहीं से हमें अपने वर्क को टर्न करना है इससे पहले हम इस फंदे को रैप कर लेंगे तो धागा पीछे करा इस फंदे को ऐसे उतारा फिर धागे को आगे करेंगे फिर से वापस से इस फंदे को ऐसे लेफ्ट नडल में उतार देंगे और इसको टर्न कर लेंगे फिर अब रॉन्ग साइड से ही सारे फंदे हम उल्टे बिनते में कंप्लीट कर लेंगे अब राइट साइड है हमारी फिर से अब एक फंदा हमारा इस साइड से हमने बढ़ा दिया है अब फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे तो ये एक फंदा स्लिप करा और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देंगे तो आप जैसे भी बढ़ाना चाहें बढ़ा दीजिएगा इसको ऐसे और इसको इसी फंदे को सीधा बिंद दिया इस तरीके से तागा आगे आगे करके बाकी के सारे फंदे उल्टे सॉरी सारे फंदे नहीं लास्ट के अब हम चार फंदे छोड़ के बाकी के फंदे उल्टे बिन लेंगे पहले हमने दो फंदे छोड़े थे अब हम चार फंदे छोड़ेंगे अब यहीं से अपने वर्क को टर्न करना है तो धागा पीछे करा इस फंदे को ऐसे उतारा धागे को आगे करेंगे फिर से वापस से अपनी लेफ्ट में उतारा और यहीं से इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और बाकी के रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बिन लेंगे लास्ट का फंदा हमेशा सीधा बिनना है हमें ताकि ये हमारी जो एज है वो स्मूथ आएगी इससे अब फिर से राइट साइड में है हम अपनी दो फंदे हम बढ़ा चुके हैं तो फिर था एक फंदा स्लिप करो और यहाँ पर एक फंदा बढ़ेगा तो इसको ऐसे उल्टा बिना धागा पीछे करेंगे फिर इसी फंदे को हम इस तरीके से सीधा बिनेंगे धागा आगे करके और अब हम छह फंदे इसके बिना बिने छोड़ेंगे और बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे देखिए छह फंदे हमारे छूट गए हैं और अब यहीं से टर्न करना है तो पहले व्रैप कर लेते हैं धागा पीछे करा इसको ऐसे उतारा धागा आगे करा और फिर से लेफ्ट में उतार दिया टर्न कर लिया अपने वर्क को बाकी के सारे फंदे साइड से सारे उल्ट उल्टे उल्टे लेंगे। से हम अपनी राइट साइड में हैं, एक और फंदा बढ़ाएंगे तीन फंदे अभी तक हम बढ़ा चुके हैं एक फंदा स्लिप करा अब इसको चाहे तो आप ऐसे करके भी बढ़ा सकते हैं यहां से उठाया एक फंदा ऐसे चढ़ाया और इसको उल्टा बिंद दिया तो इस तरीके से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा जिस भी तरीके से आप बढ़ाना चाहें आप एक फंदा इसमें ऐसे करके बढ़ा दीजिएगा और पिछली बार छह फंदे छोड़े थे अब हम आठ फंदे छोड़ेंगे अब ये हमारे आठ फंदे छूट गए दो दो चार पांच छह और सात आठ फंदे छोड़ के फिर से टर्न करना है तो धागा पीछे करा एक फंदा उतारा धागे को आगे करेंगे और इसको वापस से ऐसे उतार लिया अब इसको टर्न कर लेंगे ऐसे और ये बाकी के फंदे हम उल्टे भी लेंगे यहां से हमारे फंदे बढ़ गए हैं चार फंदे हमने यहां से बढ़ा दिए हैं अब हमें इन चार फंदों को घटाना है अब हमारी शेप ऐसे में जाएगी तो अब हमें इन्हीं चार फंदों को घटाना है और फंदे आपको अपने जितने आपने फंदे लिए हैं उसके वन फोर्थ फंदे ही बढ़ाने हैं जैसे मैंने सोलह फंदे लिए हैं तो उसका एक चौथाई हिस्सा आ, मतलब चार फंदे हुए तो चार फंदे ही मैंने बढ़ाए हैं अगर आप बीस फंदे लेंगे तो बीस का एक चौथाई वन फोर्थ पांच फंदे होगा तो पांच फंदे बढ़ाएंगे और वापस वापसी में हम पांच फंदे ही घटाएंगे और अगर आप चौबीस फंदे ले रहे हैं तो छह फंदे यहाँ से बढ़ाएंगे और फिर छह फंदे ही घटाएंगे तो इस हिसाब से ये आगे बढ़ेगा हमारा अगर आप बड़ा किसी भी साइज का बनाना चाहें तो इसी हिसाब से बढ़ेगा तो अब राइट रा, साइड में है हम अपनी के एक फंदा हमने स्लिप करा अब हमें ये चार फंदे घटाने हैं तो ये दो फंदों का एक साथ लेके सीधा भी नहीं ओ सॉरी उल्टा भी और बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे भी और यहाँ से अब हमारे दस फंदे छूटेंगे अब हमारे ये दस फंदे छूट गए हैं अब फिर से हमें यहीं से टर्न करना है वर्क तो हम ऐसी व्रैप कर लेंगे पहले अपनी स्टिच और इसको यहाँ से टर्न कर लेंगे और इन सारे फंदों को हम उल्टा बिल लेंगे मैंने चार फंदे बढ़ाए थे तो उसमें से एक फंदा घट चुका है अब फिर से एक फंदा स्लिप करा फिर दो फंदों का एक करेंगे तो हमारा दूसरा फंदा भी घट जाएगा और अब हमें इधर से बारह फंदे छोड़ने हैं तो अब ये हमारे बारह फंदे छूट गए हैं अब यहीं से हम अपने वर्क को टर्न करेंगे आप सिंपल उस टर्न करके फिर बिन भी सकते हैं लेकिन अगर ऐसे व्रैप करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहता है धागे को पीछे करा ऐसे उतारा फिर धागा आगे करा फिर फंदे को वापस से लेफ्ट नीडल में उतार लिया और इन सब को उल्टा बिन दिया रॉन्ग साइड से हम इन सब फंदों को उल्टा बिन देंगे अब फिर से राइट साइड में है एक फंदा उतारा दो फंदों का एक करा ये हमारा तीसरा फंदा घट रहा है जितने फंदे हमने बढ़ाए हैं उतने ही हमें घटाने हैं तो तीसरा फंदा घटा दिया और अब चौदह फंदे हम छोड़ देंगे तो ये एक ही फंदा हमने बिना और ये चौदह फंदे हमारे छूट जाएंगे अब और यहीं से टर्न करना है तो फिर से इसे पहले रैप कर लेंगे और इन फंदों को उल्टा पिन लेंगे अब राइट साइड है हमारी एक फंदा स्लिप करा फिर इन दो फंदों का एक करा अब हमारा चौथा फंदा घट रहा है ये तो इन दो फंदों का एक करा और अब सारे फंदे हमें यहां से सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे पिन के कंप्लीट कर लेने हैं लास्ट का फंदा सीधा जाएगा हमारे फ्लावर की एक पंखुड़ी बन गई है इस तरीके से दिखेगी ये अब हमें आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं मैंने मल्टी कलर से बनाया है तो जितनी भी बची हुई ऊन थी मैंने उसी से बनाया है तो अब मैं इसमें अपना सेकंड कलर ऐड करूंगी तो अब ये रॉन्ग साइड है इसमें हमें सारे फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करने हैं तो अब यहां से मैं अपना सेकंड कलर अटैच कर लूंगी अटैच कर रही हूँ क्योंकि मैंने हर पंखुड़ी में अलग अलग कलर लगाए हैं इसलिए मैं इस थ्रेड को काट दूंगी तो इसको हम इस तरीके से ऐसे लॉक करते हुए चलेंगे इसको ऐसे रखा इसको ऐसे करा लॉक करते वैसे फिर आप अगर दो ही कलर से बना रहे हैं तो आप किसी धागे को आगे चला सकते हैं इस तरीके से से लॉक करते जाएंगे ये पूरे फंदे हम उल्टे उल्टे बनते हुए कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए हमारी ये एक पंखुड़ी बन गई है हमारे फ्लावर की तो अब हमें अपने इस वाले सेकंड कलर से बनानी है दूसरी पंखुड़ी सेम जैसे हमने ये वाली बनाई है सेम वैसे ही दूसरी भी बनेगी और ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा जब आप इसे बिनते जाएंगे तो ये पूरा गोल राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसमें भी हमें वही करना है यहाँ से एक फंदा बढ़ेगा और यहाँ से दो फंदे छोड़े जाएंगे फिर एक फंदा बढ़ेगा और दो फंदे छोड़े जाएंगे तो इसी तरीके से ये भी कंप्लीट होगा तो इतना पूरा करके दिखाती हूँ मैं इसका राउंड पूरा ये मेरा कंप्लीट हो गया है देखिए मैंने इसे मल्टी कलर में बनाया है तो मैंने सारे इसमें अलग अलग बुल लगाई है तो देखिए इसमें मेरे ये चौदह कली बनी है टोटल ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह आपको ये पूरा राउंड ऐसे करके जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से तब तक ये बनाना है जब तक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अब मैंने ये सारे फंदे इधर से बिन लिए हैं तो अब रॉन्ग साइड है जहां से हम अपना कलर चेंज कर रहे थे तो ये रॉन्ग साइड अब हम इसको ये दो फंदों का एक करते हुए घटा देंगे सारे फंदे दो फंदे एक साथ लेके उल्टे बिने फिर इसे ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाया और फिर से दो फंदे लेके इन्हें उल्टा बिन दिया फिर से इन्हें ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाया और दो फंदे लेके उल्टा बिन दिया तो ये सारे फंदे हम इसी तरीके से अब घटा देंगे सारे फंदे घटा के लॉक कर लेंगे हम और इस थ्रेड को थोड़ा लंबा करके काट लेंगे ताकि सिलाई में यूज हो जाइए हमारा ये देखिए अब ये राउंड हमारा कंप्लीट है अब हम इसको यहाँ से सिल लेंगे ऐसे करके रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे और इसको ऐसे मिलाते हुए यहां से हम सिल लेंगे इसको पूरा उसके बाद जब हम यहाँ से सिल लेंगे तो इसमें आपको ये छेद दिखेगा यहाँ ये अगर आप ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं और इस को सिलना चाहे तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ से सिल लेती हूँ पहले उसके बाद बताती हूँ कि होल कैसे बंद करना है हमें तो इतना कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं ये सिल के ये मैंने पूरा यहाँ से ऐसे सिल लिया है अब हमें इसका होल छेद बंद करना है आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं और इसका छेद मैं बंद कर रही हूँ तो देखिए यहाँ तक तो मैंने नॉर्मल सिलाई जैसे सिलते हैं ये उसके बाद इसकी हर एक एज में ये ये देखिए एज अलग से दिखेगी आपको इसमें ऐसे करके धागा डालना है फिर एक छोड़ के इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे करके डालेंगे फिर यहां से एक छोड़ के इसके नेक्स्ट में डालेंगे ऐसे करके हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे इसका हर एक एज में नहीं डालेंगे नहीं तो खींचने में दिक्कत होती है तो इसलिए एक एक एज को छोड़ के डाल रहे हैं हम देखिए मैंने इस... ऐसे डाल लिया है अब इसको हम ऐसे टाइटली खींच लेंगे देखिए ये छेद बिल्कुल बंद हो गया है अब इसको हम यहां पे सिक्योर कर लेंगे कर लिया है अब इसको यहां से ऐसे ऐसे करके डालते हुए थोड़ा आगे तक ले जाके इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे इसी तरीके से जो ये ये वाला थ्रेड है इसको भी हम इसके अंदर ले जा करके कट कर देंगे ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है इस तरीके का लुक आएगा इसका बनने के बाद देखिए इस तरीके से दिख रहा है ये आप यहाँ पे चाहे तो कोई फ्लावर या पॉम्पम लगा सकते हैं अटैच कर सकते हैं इसमें या इसको ऐसे भी रख सकते हैं तो ऐसे दिखेगा ये थैंक यू